हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं नंबर नेक्स्ट सीरीज ऑफ हैज़ हैव एंड हैड, राइट। हम लोगों ने हैज़ हैव हैड का सिंपल मींस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे। अब हम करने वाले हैं इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट? एग्जैक्टली दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं? क्वेश्चंस। कैसे हम किसी सेंटेंस से क्वेश्चन बनाते हैं सिंपल से, आज हम सीखेंगे उनको। और खासकर हैज, हैव और हैड को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। मुझे आशा है कि आपने पिछली दो वीडियो जरूर देखी होंगी, और यदि नहीं देखी हैं, वैसे तो देख ली होंगी, यदि नहीं भी देखी हैं तो प्लीज आप उनको जरूर देखें एक बार कि कैसे बनाते हैं सिंपल और कैसे बनाते हैं उनके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे करते हैं, क्या रूल्स होता है। कोई भी रूल नहीं होते। जैसे हमने सीखा था नेगेटिव को, बस हमें सिंपल सा चेंज करना है और इंटरोगेटिव बनाना है। जैसे आइए करते हैं स्टार्ट। नंबर वन दोस्तों, नेगेटिव में हमने उस दिन सीखा था आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक नहीं है। हमने यही सीखा था, I don't have a book. मेरे पास एक बुक नहीं है। She does not have a car. उसके पास एक कार नहीं है। Saurabh does not have a pen. Saurabh के पास पेन नहीं है, right? इन्हीं का interrogative बनाने के लिए क्या करना होता है? जो helping verb है हम उनको आगे ले लेते हैं। Helping verb क्या है यहाँ पे? Do. तो मैंने do को आगे ले लिया, क्या बन गया? Interrogative. यहाँ पे does को आगे ले लिया, interrogative. यहां से does को आगे ले लिया, आगे in the sense सब्जेक्ट के आगे। यहां आई के आगे डू, शी के आगे डज, सौरभ के आगे डज और डू वी के आगे आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। और जहां हम इन वर्ब को सबसे आगे लिखते हैं वहां इनका मीन निकलता है क्या से, किससे, क्या से। जब आप हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेते हैं, डू डज डिड आगे ले लेते हैं। जैसे आइए सेंटेंस करते हैं। तो दोस्तों नंबर वन सेंटेंस, नंबर वन है आपका आई डोंट हैव अ बुक। नंबर वन है आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। मैं आपसे कहूं क्या मेरे पास किताब है, क्या मेरे पास किताब है, तो कैसे बनाऊंगा दोस्तों? इसी डू को आगे लेके मैं कह सकता हूं डू आई हैव अ बुक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है तो बिना क्वेश्चन मार्क के नहीं बन सकता। तो मैंने आपसे कहा डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब है। हे डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब है। यस, यहां अब आंसर देने में थोड़ा निकला दूसरा निकलेगा। यदि मैं आपसे पूछ रहा हूं डू आई हैव अ बुक, तो आप क्या कहेंगे? हां तुम्हारे पास किताब है। यस यू हैव अ बुक। कॉन्वर्सेशन हम बाद में करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि समझ में आया होगा। यहां से डू जो है वो हमने आगे ले लिया और सेंटेंस बन गया डू आई हैव अ बुक। ऐसे ही नंबर सेकंड, सेकंड कहना चाह रहा है आपसे शी डज नॉट हैव अ कार, तो क्या बनेगा इंटरोगेटिव बताइए मुझे? सेंटेंस बन जाएगा डज शी हैव, हमने पिछली क्लास में किया था, शी के संग हैज लगता है, राइट, सिंगुलर। लेकिन डज जो है वो अपने संग हैव लेता है, इसीलिए हम लगाएंगे डज शी हैव। सब हेल्पिंग वर्ब के संग हम केवल हैव का यूज करते हैं, इसलिए हमने हैव लगाया। डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास कार है, राइट। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड कह रहा है दोस्तों सौरभ डज नॉट हैव अ पेन, सौरभ के पास पेन नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे इंटरोगेटिव? डज सौरभ Have a pen? क्या सौरभ के पास एक पेन है दोस्तों? सिंपल था। यदि मैं आपसे कहूं does सौरभ have a pen, क्या सौरभ के पास एक पेन है, तो क्या के लिए does आगे लग गया, सौरभ have a pen, सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट है we do not, जिसे हम don't भी बोलते हैं, have words, हमारे पास शब्द नहीं है। तो मैं आपसे कहूं क्या हमारे पास शब्द हैं, so it means do we have words question mark, do we have words, क्या हमारे पास शब्द हैं कुछ कहने के लिए? No, you don't have words. Oh,
सो दिस इज वॉट आई मीन टू से नाउ यू डोंट हैव वर्ड्स या फिर मैं कहूँ सिंपल इंटरोगेटिव है डू वी हैव वर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों अब बात आती है इंटरोगेटिव मतलब पास्ट में तो पास्ट में कहना चाह रहा है सिमरन डिड नॉट हैव मेकअप किट तो कैसे चेंज करेंगे सिमरन डिड नॉट हैव मेकअप किट आप कह सकते हैं सिमरन लड़की है सिंगुलर है तो हम बनाएंगे डज सिमरन हैव अ मेकअप किट क्या सिमरन के पास एक मेकअप किट थी दोस्तों ओ एक्चुअल में सेंटेंस जो था ये सिमरन डिड नॉट हैव का था आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कोई दिक्कत नहीं है ये मैंने बना दिया प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में क्या बन गया डज सिमरन हैव क्या सिमरन के पास मेकअप किट है लेकिन चूंकि सेंटेंस यहां पे पास्ट में है डिड वाला है तो आप यहां से डज हटा देंगे और क्या लगाएंगे आप इसी डिड को आगे ले लेंगे तो सेंटेंस पास्ट में नेगेटिव बन गया डिड सिमरन हैव अ मेकअप किट क्या सिमरन के पास मेकअप किट थी सेंटेंस इंटरोगेटिव में यदि पास्ट का बनाना है तो आपको डिड को कहां लेना पड़ेगा आगे वही मैंने किया मैंने डिड को आगे ले लिया एंड इट बिकेम सिंपल फॉर यू राइट एवरीवन एंड द लास्ट फॉर टुडे बट नॉट लीस्ट यू डिड नॉट हैव गुड वर्ड्स तुम्हारे पास अच्छे शब्द नहीं थे तो कैसे बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव तो सिंपल है इसका इंटरोगेटिव हम कह सकते हैं डिड है तो सेंस बन जाएगा डिड यू हैव क्या तुम्हारे पास थे क्या थे गुड फ्रेंड्स तो डिड यू हैव हे हेलो डिड यू हैव गुड फ्रेंड्स क्या तुम्हारे पास अच्छे दोस्त थे ये आई हैड नो आई डिड नॉट हैव गुड फ्रेंड्स क्लियर सो ये तो दोस्तों हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हम चेंज करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव से बस आपको नॉट नहीं लगाना और उनकी हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेनी है ठीक है लगे हाथ हम एक काम और करते हैं इन अ नटशेल बहुत ही ब्रीफ में यदि हमें इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव चेंज करने हो कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सर ये तो आपने इंटरोगेटिव बता दिए मुझे कहना है कि डू आई हैव अ बुक क्या तुम्हारे पास बुक है लेकिन मैं कहूं क्या तुम्हारे पास बुक नहीं है तो यहां पे नॉट कहां लगेगा तो सिंपल है आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे आई वी यू दे इनके बाद नॉट लग जाएगा जैसे मुझे इसी को चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूंगा मैं कहूंगा क्या मेरे पास बुक नहीं है तो मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा डू आई नॉट हैव अ बुक क्या मेरे पास बुक नहीं है राइट सिंपल एक और करेंगे नंबर नेक्स्ट मैं आपसे कहूं डज शी हैव अ कार क्या उसके पास कार है और नेगेटिव में क्या उसके पास कार नहीं है तो कैसे बनाएंगे डज शी नॉट हैव अ कार क्या उसके पास कार नहीं है hey, does she not have a car? क्या उसके पास कार नहीं है इसी को हम कह सकते हैं doesn't she have a car? Doesn't या फिर don't I have a book? आप इसी का शॉर्ट बना सकते हैं doesn't she इसी doesn't में does not लग गया तो इधर कोई दिक्कत नहीं है और इसी को दोस्तों do I not को आप कह सकते हैं डोंट आई हैव अ बुक क्या मेरे पास बुक नहीं है ये शॉर्ट फॉर्म होती है डू नॉट की डोंट डज नॉट की डजंट एंड दैट्स ऑल अबाउट ये था इंटरोगेटिव नेगेटिव एक लास्ट और लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव पास्ट का डिड सिमरन हैव मेकअप किट या फिर हम कन्वर्ट करेंगे इसको डिड यू हैव गुड फ्रेंड्स क्या तुम्हारे पास अच्छे दोस्त थे नेगेटिव में क्या तुम्हारे पास अच्छे दोस्त नहीं थे तो कैसे चेंज करेंगे Did you not have? Did you not have? क्या? Good friends. Question mark. क्या तुम्हारे पास अच्छे दोस्त नहीं थे? Did you not have good friends? And that's all. ये थे दोस्तों हमारे interrogative, negative sentences. मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से. यदि कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स बट डोंट फॉरगेट टू मेक सम सेंटेंसेस ऑन दैट
इन सब पे सेंटेंसेस बनाना ना भूलें, और प्लीज सेंटेंस बना के आप मुझे जरूर सेंड करें कि आप कैसे सेंटेंस, यूनिक सेंटेंस बना सकते हैं। तो फिनिश करते हैं आज की क्लास यहाँ पे, जिनमें हमने हैज हैव हैड के सारे यूज सीखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि WH फैमिली से कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन WH फैमिली को अभी छोड़ें, अभी हम बाद में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम इंग्लिश के बेसिक को कंप्लीट करते हैं और फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी सीखेंगे WH फैमिली को। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर टुडे, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।